केही दिन अघि भारतीय जनता पार्टीको सांसद जोन बार्लाले उत्तर बंगाललाई अलग्गै गर्ने गरेको माग विषयमा आज पत्रकारहरूले सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै दार्जीलिङका भारतीय जनता पार्टी सांसद राजु विष्टले त्यसको उत्तर जोन बार्ला आफैले दिनेछ भनी बताएका छन्। सांसद राजु विष्टले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै उत्तर बंगालको उपेक्षा भएको र विगत 45 वर्षदेखि उत्तर बंगाललाई लुट्ने काम भएको छ भनी आरोप लगाएका छन्। उनले उत्तर बंगालको चिया बगानहरू बन्द भइसकेको छ, यहाँ कुनै प्रकारको ढाँचागत विकास नभएको तथा उत्तर बंगालमा एउटा पनि सरकारी ढङ्गको अस्पताल नभएको र उत्तर बंगाल मेडिकल कलेजमा पनि भनेको जस्तो सुविधा नभएको साथै स्वास्थ्य विभाग मुख्यमन्त्री आफैले राखे पनि केही काम नभएको आरोप लगाएका छन्। उनले सिलीगुडी चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाले घेरिएको भए पनि व्यापारको माहौल नरहेको र यस्तो स्थितिमा उत्तर बंगाल अलग्गै हुने माग उठ्नु स्वाभाविक नै हो भनी बताएका छन्। विष्टले लोकतन्त्रमा सबैजना बोल्नु पाउँछ तर ममता दिदी मात्रै बोल्नु पाउनुपर्छ भन्ने मात्र छैन, त्यसैले भारतीय जनता पार्टीको नेताहरू उत्तर बंगाल विषयमा बोल्छन् भने म भूल देख्दिन भनी बताएका छन्। उनले अलग्गै उत्तर बंगाल विषयमा बोल्ने सही ठाउँ प्रेस मिडिया होइन तर सही ठाउँमा म बस्नेछु भनी बताउँदै गोर्खाल्याण्डको विषयमा कुरा घुमाउँदै सांसदले दार्जीलिङ तराई डुवर्सका लागि स्थायी राजनैतिक समाधान भारतीय जनता पार्टीले अवश्य दिनेछ र भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमाथि भरोसा पनि छ भनी बताएका छन्। देखिए जोन बार्ला जी मेरे दोस्त हैं, जिम्मेदार नेता हैं, उन्होंने जो भी कहा है उसका उत्तर तो वो देंगे। मैं ये जरूर कहूँगा कि नॉर्थ बंगाल की उपेक्षा हुई है और पिछले 45 साल से नॉर्थ बंगाल को सिर्फ लूटा है। नॉर्थ बंगाल के चाय बगान आज बंद हो रहे हैं, सिंखोना बगान बंद है, यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे एक भी सरकारी ढंग का अस्पताल नहीं है। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज की हालत खस्ता है, ये सब हम जानते हैं। इसके बावजूद कि मुख्यमंत्री स्वयं जो है स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास है, एजुकेशन के लिए यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, यहाँ के युवा दूसरे प्रांतों में जा कर के काम करने को मजबूर है। और जो व्यापार का वातावरण है सिलीगुड़ी के अंदर, हम सब जानते हैं चार जिलों से घिरा हुआ, चार अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से घिरा हुआ ये जिला, उसके बावजूद भी व्यापार की इतनी अपार संभावना है लेकिन व्यापार करने का माहौल नहीं है। इस तरह की बातें तभी उठती है जब आप किसी को दबा के कुचल के रखना चाहते हैं। मुझे लगता है लोकतंत्र में उचित नहीं है और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हरेक को अपनी बात रखने का, अपनी राय रखने का स्वतंत्रता है। और सिर्फ ममता दीदी बोले ये उचित नहीं है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं, मैं उसमें कोई गलत नहीं देखता। रही बात नॉर्थ बंगाल अलग होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है मीडिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस ये उचित जगह नहीं है। जो उचित स्थान होगा कभी भी ऐसी आवश्यकता लगेगी तो नॉर्थ बंगाल के हक के लिए मैं जरूर आवाज़ उठाऊंगा। ये नॉर्थ बंगाल को लेकर फिर एक गोरखालैंड का भी इशू आ रहा है सामने। देखिए जहाँ तक गोरखालैंड का विषय है, 2019 के चुनाव में, 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में लिख के दिया है दार्जिलिंग हिल्स तराई डूवर्स के लिए स्थायी राजनीतिक समाधान। ये एक पॉलिटिकल समस्या है, उसका पॉलिटिकल समाधान हम करेंगे, ये छाप के लिख करके भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और हमारे क्षेत्र के लोगों को, हमारे नेतृत्व के ऊपर में, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप के ऊपर में और भारत की सरकार के ऊपर में, मोदी जी के ऊपर में, गृह मंत्री जी के ऊपर में हमें पूरा भरोसा है।